बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का देश में काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है कि इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है। सेंसर बोर्ड ने भंसाली से फिल्म का नाम बदलने को कहा है। बता दें कि मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत रखा जा सकता है, तथा सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को ये भी सलाह दी है कि इसमें डिस्क्लेमर भी डाला जाए और इस फिल्म के घुमा गाने में भी कुछ बदलाव किए जाए। सेंसर बोर्ड ने भंसाली को फिल्म की रिलीज की मंजूरी देने के लिए फिल्म में 3 बड़े बदलाव करने को कहा है। सबसे पहले फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत करा जाए और उसके बाद फिल्म के डांस गाने घूमर में भी बदलाव किए जाए और इस फिल्म में डिस्क्लेमर को भी डाला जाए, उसमें लिखा जाए कि यह फिल्म किसी भी तरह से सती प्रथा को बढ़ावा नहीं देती है। बता दें कि 28 दिसंबर को सेंसर बोर्ड की हुई बैठक में ये तय किया गया है इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस फिल्म में बदलाव होने के बाद हम इसे सर्टिफाई भी कर देंगे। बताया जा रहा है कि यह एक विशेष सलाहकार बैठक थी तथा इस बैठक में सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी, इतिहासकार अरविंद सिंह टॉ, चंद्रमणि सिंह टॉ, के सिंह शामिल हुए थे। बताया जा रहा कि फिल्म के निर्माताओं ने मांग की थी कि इस पैनल में राजघराने के भी कुछ लोगों को शामिल किया जाए। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार सेंसर बोर्ड द्वारा दी गई सलाह को संजय लीला भंसाली फिल्म में सभी बदलाव करने को तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार सेंसर बोर्ड ने भंसाली को फिल्म में 2 दर्जन से भी अधिक सीन कटाने को कहा है। बता दें कि फिल्म की रिलीज की तारीख तय करने के लिए सेंसर बोर्ड की अगली बैठक जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड के दिए गए सुझाव को करणी सेना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब हमारे पास पूरी रिपोर्ट आएगी भी हम अपना बिस्तर से रिएक्शन देंगे। बता दें कि करणी सेना के मेजर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये लोगों की नाराजगी का लाभ उठाते हैं और अपनी TRP को बढ़ाकर मुफ्त में अपनी लोकप्रियता लेते हैं। इनकी इस मुनाफाखोरी की आदत पर रोक लगानी चाहिए। इस फिल्म के विरोध में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की है। बता दें कि इस फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध करणी सेना कर रही है। करणी सेना वालों का कहना है कि इस फिल्म में पद्मावती और खिलजी के बीच में आपत्तिजनक सीन लिए गए हैं, जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, लेकिन भंसाली ने इन सब बातों को नकारा है। भंसाली की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण पद्मावती की भूमिका में है। बता दें कि इस फिल्म का इतना विरोध हुआ है कि कुछ ने तो दीपिका को जान से मरने की धमकी भी दे दी है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर पूरा बॉलीवुड भंसाली के साथ खड़ा है। बता दें कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन फिल्म से संबंधित सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि वैसे फिल्म पद्मावती इसी महीने दिसंबर की 1 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को लेकर हुए विवादों के कारण फिल्म की रिलीज डाल दिया गया था। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना। ये सुनकर कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।